स्टूडेंट्स वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ रीजन भी था और सिचुएशन भी कुछ अच्छा नहीं था। इधर बारिश और इसको लेकर के और लाइट को लेकर के लाइट प्रॉब्लम था। आज से सब ठीक है, ऐसे ठीक रहा तो आपको वीडियो के अकॉर्डिंग ये टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। देखो बाबू, प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, विदाउट प्लांट लाइफ इज इम्पॉसिबल। बिना प्लांट का हम लोगों का जो लाइफ है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका लाइफ क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए सेव द प्लांट्स एंड सेव द लाइफ। सो आइए हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। इन दिस टॉपिक टू बी कवर्ड कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम मतलब गोली वाला शूटिंग नहीं, शूट सिस्टम के माइंड में मेरा शूटिंग चला आता है, बंदूक चलाना। देखो यहाँ पे तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ट्रीज में तो एक आएगा नहीं। अब देखो पार्ट बाई पार्ट करके इसका डिफिनीशन और समझेंगे कि किसको हम हर्ब्स बोलेंगे, किसको श्रब्स बोलेंगे और किसको ट्रीज बोलेंगे। तो जब हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे तो किसी भी प्लांट को देखेंगे तो हम बता देंगे कि हर्ब्स है कि श्रब्स है या फिर प्लांट ट्रीज है। तो देखो सबसे पहले हर्ब्स, इट इज अ स्मॉल प्लांट विथ अ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। ये क्या होता है, छोटा प्लांट होता है जिसका स्टेम एकदम सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। जैसे में आप देखते हो वेट, राइस, पी यानी मटर। अब इसमें भी कैटेगरीज बताएगा, जैसे जो क्रीपर्स होता है ना उसमें कैटेगरीज बांट दो, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग जब इसको पूरा डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे जितने भी प्लांट्स हैं उसका स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब मैं क्लियर करते जाऊंगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ स्मॉल प्लांट विथ अ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम, दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 or 4 feet। यानी 3 or 4 feet से ये अधिक ग्रो नहीं करता है। तो 3 or 4 feet के जो नीचे वाले कैटेगरीज में आएगा उसको आप क्या कहोगे, हर्ब्स बोलोगे। एज फॉर एग्जाम्पल पी, वेट, राइस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स आर द मीडियम साइज प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। ये क्या है, मीडियम साइज यानी छोटका, मझिला, बड़का। भोजपुरी में जो आप बोलते हो ना कि छोटका, मझिला और बड़का, तो ये है मझिला प्लांट यानी मीडियम। तो देखो श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। एज फॉर एग्जाम्पल रोज, टी, एक और ले लो लेमन, ये सब क्या है, क्या है, अब यहाँ पे श्रब्स है। नेक्स्ट कंडीशन में आता है एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे जब देखोगे प्लांट आप उसमें वुडी स्टेम है और वो मीडियम साइज का है तो उसे आप क्या कह सकते हो, श्रब्स कहोगे। अब आती है बाड़ी ट्री, जिस पे चढ़ करके मैं ज्यादा दिन बैठा, मतलब उधर बैठता हूँ, उसे आप ट्रीज बोलोगे, जैसे मैंगो। अब देखो यहाँ पे ट्रीज आर बिग प्लांट विथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। उसके स्टेम को लेकर के ऐसे फोर्स लगाओगे तो टूटेगा नहीं ना, टूटेगा तो क्या होगा, ट्रीज होगा, जिसको स्टेम ट्रंक, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स या ट्रंक। द स्टेम हैज ब्रांचेज इन द अपर पार्ट द ग्राउंड, और उसके स्टेम से मेनी ब्रांचेज क्या होगा, फैला होगा ग्राउंड लेवल पे। जैसे मैं देखो एक थोड़ा ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, उतना अच्छा तो मैं कलाकार हूं नहीं। अब इसमें अब ये मान लो यहाँ पे ब्रांच निकला, फिर यहाँ पे फिर इससे ब्रांच निकलता है। अब जैसे ये फिर इधर ब्रांच निकल गया ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये सब क्या होगा ट्री। तो ये बड़े बड़े वुडी प्लांट जो है स्ट्रॉन्ग स्टेम होगा और उससे ब्रांचेस ग्राउंड लेवल पे जब निकलता है तो उसे आप क्या कहोगे, ट्रीज। तो आज के लिए इतना आप राइट करोगे और ये आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप पढ़ो तो आप माइंड में सेट रखो
और अपने लैंग्वेज में इसका जवाब दे दो और उसके एग्जाम्पल के साथ, तो आसानी से आप समझ सकते हो। तो इतना आप रफ पेज में नोट कीजिएगा, अगले दिन मैं फिर मिलूंगा इसी टॉपिक के साथ और इसी समय इसी जोश और उमंग के साथ। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।